इस बार मध्य प्रदेश को तीन दीपावली मनानी है। अरे ताली क्या बजा रहे हो यार, पूछो तो कैसे, पूछो कैसे। देखो एक दीपावली कल मनानी है, मनाएंगे ना। दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बने तब मनानी है, और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को अयोध्या में रामलल्ला मंदिर में बैठे तब मनानी है। माताओं भाइयों बहनों, कई सालों से देश की जनता के हृदय की इच्छा थी कि अयोध्या में रामलल्ला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजमान हो, मगर ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। अब मोदी जी ने इसका भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को करने वाले हैं। और मैं तो आज यहां पर मनावर वालों को कहने आया हूं, भाई दर्शन करना है या नहीं करना है, अयोध्या का करना है या नहीं करना है। देखिए पहले तीर्थ स्थान की यात्रा हमारे शिवराज जी ने चालू करी थी, कमलनाथ जी ने बंद कर दी, फिर चालू करी। मैं आपको कहने आया हूं, कमल फूल की सरकार जब बनेगी सभी को बारी बारी अयोध्या का दर्शन कराने का काम हमारी सरकार करेगी। ये कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से भारतीय संस्कृति का अपमान करा है। मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त किया, महाकाल लोक बनाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, बाबा केदारधाम और मां विंध्यवासिनी के तीर्थ क्षेत्र बनाए, करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाया, कश्मीर में मां शारदा पीठ की फिर से पुनः प्रतिष्ठा करी, और नए संसद भवन में सेंगोल लगाकर भारतीय संस्कृति का सम्मान करने का काम हमने किया।